देखो श्री कृष्ण आने के बाद उसने वस्त्र दिया तो भी दुशासन को रोका नहीं, क्यों? किसी के पास जवाब है? क्यों नहीं रोका? नहीं रोकना चाहता? रोकना चाहता ना, गलत कर्म करने वाले को रोकना चाहिए। अगर आप घर में गुस्सा करे चुप रहो पहले उसको रोकना चाहते हो तो भगवान ने आके उसको क्यों नहीं रोका? ये सीख समझना है। भगवान इस दुनिया में झाड़ू लगाने वाले भी चाहिए ना, सभी राजा बन के ऊपर बैठेंगे झाड़ू कौन लगाएगा, सफाई कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा? कोई पहले कहा प्रजा भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए, राजा भी चाहिए, दासी भी चाहिए, अपने कर्मों से। स्कूल में एक ही टीचर पढ़ाता है, कोई नंबर वन डिस्टिंक्शन, कोई फेल, क्यों? नंबर वार पुरुषार्थ, अपने कर्मों के अनुसार। तो कर्म करने की विधि बताया आपको, कुछ भी करते हो रिकॉर्ड हो रहा है, फल भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं मिटा सकता, आपको मिटाना है। तब कहा अगर गलत कर्म करने वालों को भी यहां स्वतंत्रता है, इस ब्रह्मांड के अंदर हरेक को स्वतंत्रता है, चाहे अच्छा करो चाहे गलत करो। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फूल मैन। एक क्रूर प्राणी को प्यार करो वो कभी भूलेगा नहीं। आप अगर इनको बुद्धि नहीं है प्यार करो, एक दिन आपको लूट के चले जाएगा। क्यों? मनुष्य के पास एक शक्ति एक्स्ट्रा है, बुद्धि, प्राणी को नहीं है। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का गुरु, उसको देखो अपने खाना बनाने व्यक्ति ने विष दिया और बाहर का नहीं। आज भारत की राजा इतनी पतन क्यों हुई? अंदर के ही, बाहर से कोई नहीं, बाहर वाले अच्छे हैं, अंदर का ही घर का ही दुश्मन निकलता है। समझ में आया? घर का ही भेदी है। तो हमको ठीक करना कैसा? दूसरे कोई खराब नहीं, हम कहते ये ऐसा नहीं, अपने चैरिटी बिगन्स एट होम। देखो ब्रह्मा बाबा ने पहले किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, अपने बहू बेटे बच्चे तीन लड़कियां दो बेटे बच्चे उनको बैठ के पहले ज्ञान सुनाया। पहले घर को ठीक करो, फिर मोहल्ले में, फिर गांव में, फिर शहर में। तब कहा चैरिटी बिगन्स एट होम, परिवार में, घर में। तब आपको कहा सवेरे उठते ही अपने पति अपने बच्चे देखते ही उनके प्रति शुभ सोचो। दुनिया को बाद में, रस्ते पर बाद में देखा जाए, घर में शांति होगा तो सब जगह होगा ना।